हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैथमेटिक्स का क्लास है हमारा, और क्लास है 11th, और मैथमेटिक्स अपन बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम आज जो क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो है फंक्शन। बहुत दिनों बाद बहुत आप लोगों का डिमांड था कि सर फंक्शन को आगे कंटिन्यू। एक्चुअल के मैं 12th के वीडियो बनाने पर इतना बिजी में, तब अपन स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यूस रखेंगे, फिर अब आगे हम। तो फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख चुके होंगे। वहाँ पर हम डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रांत और परिसर बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर किया था और फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था। बाय द वे, उस वीडियो से कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो आप उस यहाँ पर उसको मैं समझा दूंगा। वैसे टर्मिनोलॉजी बस को आपको समझना है, बाकी प्रोसेस तो सेम है ना। तो यहाँ पर हम दो टाइप के क्वेश्चन आज करेंगे। पहला फंक्शन के सिंपल क्वेश्चन कि फंक्शन से क्वेश्चन किस प्रकार बनाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कम्प्लीटली बेस्ड है, मतलब मैं यदि सिंगल वर्ड में ये कहूँ कि फंक्शन का चैप्टर से जो IIT JEE में हमेशा 100% जो क्वेश्चन कवर होता है वो है डोमेन एंड रेंज फाइंड करना, प्रांत और परिसर फाइंड करना। और मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा हूँ कि स्टूडेंट्स इसमें बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो आज के इस पार्ट में बहुत ध्यान से आप समझिए, आज मैं इजी क्वेश्चन को बताऊंगा आपको, इसलिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन की हेल्प से क्लियर कर सकूँ, और नेक्स्ट पार्ट में मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको डोमेन रेंज के ही। लेकिन मेरा कम्प्लीट फोकस है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनका डोमेन रेंज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ जुड़िए। देखिए, सबसे पहले मैं फंक्शन के आप छोटे छोटे क्वेश्चन बता दूं। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं फंक्शन का, अभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फंक्शन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन ले लिया, सपोज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल लॉग एक्स, सपोज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ये दिया है। बेस को ई लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नेपेरियन लॉग है, लिख भी सकते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ प्रूफ करने बोला है, तो प्रूफ करो फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू, देन प्रूफ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू प्लस फंक्शन ऑफ वी प्लस फंक्शन ऑफ डब्ल्यू। ये आपको दिया है, यदि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इतना हो तो फंक्शन ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो, चूंकि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू अपने को पता है लॉग एक्स, बेस पर नहीं लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं होता। इस बेस पर यदि मैं फंक्शन ऑफ यू लिखना चाहूँ तो देयरफॉर फंक्शन ऑफ यू क्या हो जाएगा, एक्स के जगह में लॉग। फंक्शन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ बस। तो फंक्शन ऑफ यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग यू। इसी तरह से फंक्शन ऑफ वी इक्वल टू लॉग वी, और फंक्शन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू भी क्या आएगा, लॉग डब्ल्यू। ये हम निकाल सकते हैं चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है। तो फंक्शन के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करके, एक्स को हटा के जिस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला रहता है उसको वहाँ पर पुट कर देते हैं। अब हमको प्रूफ करना ही है फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ पर आप देखो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है, अब यहाँ पर लिख दिया मैं देयरफॉर फंक्शन ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लॉग यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब अपने को लॉग का एक फार्मूला पता है, ठीक है, लॉग का फार्मूला ये आपको पता होगा, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ये होता है लॉग एम इंटू एन का फार्मूला, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इस फार्मूला के बेस से यदि हम यहाँ पर इसको अप्लाई करना चाहें तो ये m है, n है, और आगे भी लिख सकते हैं उसको, कितने भी फंक्शन को लिख सकते हैं वो प्लस प्लस होता जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग का फार्मूला है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w दैट इक्वल। अब लॉग u इक्वल टू हम क्या निकाल के रखे हैं, देखो यहाँ से लॉग u इक्वल टू फंक्शन ऑफ u निकाल के रखे हैं, तो लॉग यू को क्या लिख सकते हैं अपन, फंक्शन ऑफ यू। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ वी, इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ डब्ल्यू, और ये प्रूफ हो जाएगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। ये बस इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फंक्शन आप x इक्वल टू इस फॉर्म में दिया हो उसको आप किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक आध दो क्वेश्चन और इसमें अच्छे बता देता हूँ, उसके बाद हम टोटल फोकस करेंगे डोमेन और रेंज फाइंड करने में। क्लियर? यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसी पर थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में, यहां पर आपको बता रहा हूं फंक्शन पर ही ना, ये क्वेश्चन है फंक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और हमको प्रूफ करना है फंक्शन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ करना है फंक्शन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के टच में है ये क्वेश्चन। क्लियर? तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ये गिवन है और ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो नेचुरली यहां से आप समझ सकते हैं फंक्शन को आपको देखना है बस कि यहाँ पर हमारा फंक्शन किसके फॉर्म में है x, और यहाँ पर किसके फॉर्म में sec स्क्वायर थीटा। तो इसके बेस में हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। तो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सिंस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ हमको पता है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इतना हमको दिया है और ये चाहिए, तो अब हम पुट करेंगे। नाउ पुट x इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, माने इस फंक्शन में x के जगह में क्या पुट कर देंगे, sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि यही हमको लाना है, बस यही काम करना होता है फंक्शन में, वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो देयरफॉर फंक्शन ऑफ sec स्क्वायर थीटा इक्वल, हम राइट साइड में भी, इसके राइट साइड में भी अपन वही पुट करेंगे, तो x के जगह में क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, दैट इक्वल। अब फंक्शन ऑफ sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको cosec स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए। अब इसको सॉल्व करते करते हमको cosec स्क्वायर थीटा लाना है, तो क्या करें, sec को अपन चेंज कर दें, sec को अपन चेंज कर सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे के भी sec को लिख सकते हैं अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर? दैट इक्वल, यहाँ पर आप देखो ये प्लस वन माइनस वन के साथ में कैंसल आउट हो जाएगा। तो कैंसल होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दें, तो इसके साथ ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, कैंसिल होके वन हो जाएगा ये वन, और ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूला होता है किसका, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्रूफ। तो बहुत आसान होता है, दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे। ये सब प्रश्न फंक्शन का मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप ये समझ सको कि एक्स के फॉर्म में दिए गए क्वेश्चन को हम किसी और फॉर्म में एक्स के जगह पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो फंक्शन के क्वेश्चन आपसे सब बन जाएंगे मुझे मालूम है। अब हम आते हैं डोमेन और रेंज पर, और डोमेन रेंज का क्वेश्चन करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पाँच मिनट में इस पर आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए ऐसे स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो इसका नहीं देखा है, या जो देखे हैं और उनको हो सकता है लैंग्वेज के कारण, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम पर एक्सप्लेन किया है, वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि हो रहा होगा तो डोमेन रेंज का क्वेश्चन पढ़ाने से पहले 5 मिनट आपसे मैं उस फर्स्ट पार्ट के वीडियो पर बाइलिंगुअल डिस्कस कर रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट खासकर ध्यान देंगे, वो बिल्कुल परेशान मत होंगे, इस वीडियो को देख के भी आप आगे समझ सकते हैं, और इस वीडियो के बाद आप फर्स्ट वीडियो को कंसल्ट करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि डोमेन और रेंज होता क्या है, 5 मिनट आपको समझा दूं डोमेन, एक तरह से रिवीजन करा रहा हूं मैं पीछे के वीडियो का। तो डोमेन, डोमेन और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांत, यही बात मैं वहां पर नहीं बता पाया, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत होगा। डोमेन मतलब प्रांत होता है, और रेंज
रेंज को हम हिंदी में बोलते हैं परिसर, परिसर। तो डोमेन और रेंज होता क्या है, देखो हमारे पास जो फंक्शन होता है, फलन का मतलब होता है, फंक्शन को हम हिंदी में फलन कहते हैं, फंक्शन का मतलब होता है किसी एक चर राशि का किसी दूसरे चर राशि पर निर्भर होना। मतलब यदि एक चर राशि किसी दूसरे चर राशि पर निर्भर हो तो वह उसका एक फंक्शन होता है, क्लियर। इस तरह से फंक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंसी। सपोज आप किसी चीज के लिए किसी पर डिपेंड हैं तो आप उसके फंक्शन हैं। तो यहाँ पर देखो, जब कोई फंक्शन हमारे पास होता है और उस फंक्शन का यदि हम परिभाषित मान निकालते हैं, तो डोमेन का वास्तव में मतलब होता है फलन के परिभाषित मान। मैं वहाँ पर इंग्लिश मीडियम अच्छे से बताया हूँ, तो उसको वीडियो को भी देख लेंगे। फलन के परिभाषित मान मानों का समुच्चय माने सेट, द सेट ऑफ ऑल डिफाइंड वैल्यूज इज डोमेन। ये मैं अपने इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, वैसे उस वीडियो को आप कंसल्ट करिए, इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम ही नहीं। आगे मैं इसको कंप्लीट बाइलिंगुअल कर रहा हूँ। तो फंक्शन के परिभाषित मानों का जो समुच्चय होता है, मतलब जो डिफाइंड वैल्यू है वही क्या है, डोमेन है। तो डिफाइंड वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो नॉट डिफाइंड वैल्यू होता है, क्लियर, या इस तरह से जो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, नॉट डिटरमाइन वैल्यू भी कह सकते हैं अपन। तो नॉट डिटरमाइन जो वैल्यू होता है, नॉट डिटरमाइन वैल्यू, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये जो अपरिभाषित मान है वो कौन कौन से होते हैं, 0.0 नहीं होना चाहिए, ये परिभाषित नहीं है, ये नॉट डिटरमाइन वैल्यू है, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ये भी नॉट डिटरमाइन है, ये अपरिभाषित है, और तीसरा रूट के अंदर में कोई निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर में कोई निगेटिव वैल्यू हो तो वो क्या हो जाता है, वो इमेजनरी नंबर हो जाता है, अधिकल्पित संख्या हो जाती है, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन इसको पढ़ेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के जो भी है वो सब क्या है, डोमेन के अंतर्गत आएगा। और डोमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से उसको अंतराल में रिप्रेजेंट करते हैं। अंतराल तीन तरह का होता है, इंटरवल्स। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, ये वीडियो मैं फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ ना, रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको डोमेन रेंज समझाना है और लंबा गैप भी हो गया उसके लिए, लेकिन आप उसको एक बार देख लेंगे। इंटरवल्स तीन तरह का होता है, पहला होता है क्लोज्ड, मतलब बंद अंतराल, बंद अंतराल। और बंद अंतराल का कंडीशन होता है a इज लेस देन आर इक्वल टू x, इज लेस देन आर इक्वल टू b, ऐसा हो तो क्लोज इंटरवल कहलाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a और b इस तरह का ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, ये कहलाता है बंद अंतराल। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका कंडीशन है, ये लर्न करना है, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। दूसरा है ओपन इंटरवल, मतलब खुला अंतराल। ये जो खुला अंतराल है उसको कंडीशन ये है, a इज लेस देन x इज लेस देन b, मतलब इसमें क्या होता है, केवल छोटा है का निशान होता है, साथ में बराबर का निशान नहीं होता। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, इस तरह का ब्रैकेट लगा के, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी, मतलब ये जो बंद था अंदर की तरफ उसको हम बाहर की तरफ खोल दिए, ये सेकंड इंटरवल है। और थर्ड जो है वो है अर्ध खुला, सेमी ओपन, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, हिंदी में बोलेंगे अर्ध खुला या अर्ध बंद, आप समझ गए होंगे। इसका कंडीशन इस प्रकार से होता है, a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b, ऐसा होगा, या a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद। यदि इसको हमको प्रदर्शित करना है तो इधर से खुला a, इधर से बंद b, इसको प्रदर्शित करना है तो इधर से बंद इधर से खुला, इस तरह से अपन करेंगे। तो डोमेन को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। यदि हम उसको ऐसा प्रदर्शित ना करें तो r माइनस करके प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम देखें परिसर क्या होता है, तो परिसर मतलब होता है कि जो डोमेन का कोडोमेन होता है, मतलब उसको एक तरह से उपसमुच्चय कह सकते हैं।
तो कोडोमेन का जो समुच्चय है वो जिसके अंतर्गत आता है वो उसका रेंज या परिसर कहलाता है, और उसको भी इसी तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो एक्चुअल में ये ऐसा मैथमेटिक्स है कि मैं इन चीज़ों पर आपको कई घंटे तक भी लेक्चर देते रहूं, कुछ काम का नहीं है। इसको मैं आपको समझा सकता हूं अच्छे से क्वेश्चन खेल से। तो अपन क्वेश्चन पर आते हैं, बस एक काम आपको और करना है, मेरे इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो को ध्यान से देख के, वहाँ पर मैंने फंक्शन के 15 या 16 टाइप्स बताए हैं, जिसमें कांस्टेंट फंक्शन, चर फलन, चर घातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लाग फंक्शन, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये सब फंक्शन आपको वहाँ से रिवाइज करना है, क्योंकि फंक्शन के प्रकार के बाद ही हम डोमेन रेंज को समझ सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम आए, खासकर मेरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के इन्फॉर्म करना, मैं आपको कोऑपरेट करूँगा। बाकी इसके बाद जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट को ही लेके आपको समझाऊँगा। क्लियर? तो चलिए इसका अपन क्वेश्चन करते हैं। ये आपको यदि स्क्रीन शॉट करना है या कुछ लिखना है यहाँ से आप देख लीजिए। क्लियर? इसके बाद मैं आपको एक एक करके इसके क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए मैं एक एक प्रकार के फंक्शन को लेता हूँ और उसको बताता हूँ। देखो डोमेन रेंज का एक खासियत ये है कि इसमें हर फंक्शन अपना एक अलग मेथड से बनता है, मतलब एक फंक्शन का जो मेथड है वो दूसरे फंक्शन के मेथड को मैच नहीं करता। दैट मीन्स जो फंक्शन जिस तरीके से बनेगा वैसा ही बनेगा। तो आज के मैं अपने इस वीडियो में सब फंक्शन पर जिसके डोमेन रेंज निकलते हैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद का जो वीडियो आप मेरा देखेंगे वो फिर उस पर मैं रिपीट क्वेश्चन, आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको फंक्शन को पहचानना है कि फंक्शन किस प्रकार का है। तो ये है स्क्वायर रूट फंक्शन, वर्गमूल फलन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इस तरह से हम इसको स्क्वायर रूट फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करें कि ये जो फंक्शन है किस किस वैल्यू के लिए डिटरमाइन है, किसके के लिए नॉट डिटरमाइन है, किसके किसके लिए परिभाषित है और किसके के लिए परिभाषित नहीं है। तो नेचुरली आप ये बात समझ रहे होंगे कि रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने अभी थर्ड पॉइंट में लिखा था कि रूट के अंदर के वैल्यू ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर का वैल्यू ऋणात्मक होगा तो साल बनी हो सकता, और कोई वैल्यू ऋणात्मक कब होता है, जब वह शून्य से छोटा होता है। कहने का मतलब x माइनस थ्री को शून्य से छोटा नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो शून्य से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर इसके परिभाषित होने के लिए x माइनस थ्री के वैल्यू को बड़ा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है किसके, जीरो को। ये वैल्यू कहाँ से आया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चूँकि यह रूट के अंदर है तो रूट के वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ग्रेटर देन जीरो होगा। और इक्वल टू जीरो क्यों हुआ, क्योंकि शून्य भी पॉजिटिव है, रूट शून्य का तो रूट शून्य होगा, जीरो का रूट तो जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया गया फलन परिभाषित होगा, द गिवन फंक्शन इज डिटरमाइंड इफ एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें तो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो डोमेन रेंज के क्वेश्चन चार ही लाइन में बनते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इतने हैं कि आप पूछो मत। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई मैं तभी डिफाइन होऊंगा जब मेरा वैल्यू एक्स जो है, कहता है कि मेरा वैल्यू थ्री हो या थ्री से बड़ा हो। थ्री हो सकता है क्योंकि इक्वल का साइन है, तो ये थ्री हो सकता है, इक्वल का साइन है, तो हम क्या लगा दिए, क्लोज ब्रैकेट लगा दिए, क्योंकि इक्वल में क्लोज ब्रैकेट होता है, बताया कहां तक हो सकता है, अपर लिमिट का कोई रेंज नहीं है, तो कहां तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ध्यान रखना। कुछ कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं आपको बोला कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा क्वेश्चन को लेके। अनंत के तरफ, इन्फिनिटी के तरफ कभी भी इंटरवल क्लोज्ड नहीं हो सकता,
हमेशा ओपन होगा। यदि किसी बुक में कहीं पर लिखा हो, कभी कोई टीचर बता दे कुछ भी, तो धोखे से हो गया, उनसे गलती हो गया, बुक में मिसप्रिंट हो गया, ऐसा समझ के तुरंत इंटरवल को ओपन कर दिया। ठीक है, यह यूनिवर्सल फैक्ट है कि इन्फिनिटी नेवर कैन बी क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन इंटरवल, अनंत हमेशा खुला अंतराल होगा। अब आगे इस पर बात नहीं करूंगा, उसको ध्यान रखना, अनंत होगा तुरंत ओपन लगा देना है। तो ये हो गया इसका डोमेन। डोमेन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को यूज करो, डोमेन ही लिखते हैं हम लोग हिंदी में, ऐसा डोमेन लिख देते हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि ऐसा डोमेन लिखा रहता है, जबकि इसका नाम है प्रांत। तो इतना हिंदी का मतलब नहीं है मैथमेटिक्स में, साइंस में। आप तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि टर्मिनोलॉजी को आप इंग्लिश में सीखो। तो ऐसा डोमेन लिखा रहता है कि क्या करोगे आप, जबकि उसका स्पेलिंग है ऐसा, उसको लिख प्रांत लिखा था। क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है डोमेन ज्ञात कीजिए ऐसा, इसलिए आपको मेरा सजेशन है कि इंग्लिश टर्म को खासकर यहाँ पर आपको यूज करना है। ठीक है, तो डोमेन क्या निकल गया इसका, देखो दो लाइन में इसका डोमेन निकल गया 3 इन्फिनिटी और इंटरवल को ऐसे लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम निकालते हैं रेंज। तो इसका रेंज निकालने के लिए क्या मेथड है, परिसर पहले क्वेश्चन को लो, चूंकि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3, देयरफॉर अब क्या करो, इसको दोनों पक्षों का वर्ग करो। इसके दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करें तो हो जाएगा वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस 3, दैट इम्प्लाइज यहाँ से x का वैल्यू निकालो तो x इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 3। अब यहाँ पर आप देखो, अब जो y का वैल्यू, x का जो वैल्यू निकल गया, उस x के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप करके देखते हैं कि वो किस तरह का बिहेवियर रखता है। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, x का वैल्यू यहाँ पर इतना है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, x के मान यहाँ पर मैं भर दूँ जो कि इतना है, तो हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। दैट इम्प्लाइज इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और y का वैल्यू शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है, मतलब क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सभी धनात्मक संख्याएं, क्योंकि किसी का वैल्यू का 0 से बड़ा होना क्या बताता है कि पॉजिटिव नंबर है। तो यहां पर इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, मतलब कहां से कहां तक, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी तक, ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये रेंज हो गया और ये इसका डोमेन हो गया। देखो डोमेन रेंज के अंदर है, क्लियर, क्योंकि शून्य और अनंत के बीच में 3 और अनंत भी आएगा। तो स्क्वेयर रूट फंक्शन के डोमेन रेंज ऐसे ही निकाले जाएंगे। आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जिस फंक्शन को आपको मैं सिखा रहा हूँ, जैसे मैंने सिखाया स्क्वेयर रूट फंक्शन, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के हर क्वेश्चन इसी पैटर्न पर ही बनेंगे। केवल एक यही डोमेन रेंज का एक खासियत भी कह सकते हो और इसका एक प्रॉब्लम भी है। खासियत ये कि आपने एक फंक्शन को सॉल्व करना सीख लिया तो आपको उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और यदि आपने एक फंक्शन का को सीख लिया और दूसरे फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं नहीं सीखा, तो उसके बेस पर, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन के बेस पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सॉल्व नहीं होगा, उसका अपना अपना तरीका है। इसलिए जितने फंक्शन का डोमेन रेंज निकलता है, क्योंकि सब के नहीं निकलते ना, बहुत से फंक्शन के डोमेन रेंज क्या होते हैं, ऑलवेज रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो उनको निकालने की आवश्यकता नहीं होती। तो जिन जिन फंक्शन के डोमेन रेंज इंपॉर्टेंट हैं, उनको निकालना पड़ता है, उनका एक एक क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूँ, ओनली वन क्वेश्चन, क्योंकि आज का क्लास सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब मैं आपको लेके आऊँगा तो इसके और बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा। तो न्यू फंक्शन अपन लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलिए अब अपन ले लेते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब त्रिकोणमिति फंक्शन, तो सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हिंदी मीडियम वाले इतना समझ सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, त्रिकोणमिति फलन को ले रहा हूं मैं, और ये हमारा क्वेश्चन है, सपोज फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 11 माइनस 7 sin x,
ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है करके हम कैसे पहचाने, क्योंकि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्या, साइन एक्स। तो फंक्शन को हम पहचानते कैसे हैं, कितना आसान काम है। फंक्शन में जो वहाँ रूट लगा था तो बोल दिया रूट फंक्शन, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है तो लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब इसका हम कैसे डोमेन फाइंड करेंगे, ये आप ध्यान रखना। देखो हमको पता है कि साइन एक्स जो होता है उसका वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच होता है। साइन का सबसे छोटा वैल्यू माइनस वन हो सकता है और सबसे बड़ा वैल्यू वन हो सकता है। तो सीधा लिखेंगे अपन, चूंकि माइनस वन इज लेस देन आर इक्वल टू साइन एक्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा ना। अब ये कहाँ से आया नहीं पूछना, क्योंकि आपको त्रिकोणमिति से पता है कि साइन का वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है। ये हम स्टार्ट कर दिए, कहाँ से स्टार्ट किए, जो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ टेन रहता तो टेन को लेते, कास होता तो कास को लेते। अब इसको दैट इम्प्लाइज, अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे कि ये जो साइन एक्स है इसको हमको चेंज करके ये बनाना है पूरा 11-7 साइन एक्स बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें ये माइनस सेवन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दैट इम्प्लाइज माइनस सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेवन। और आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि कभी भी हम माइनस का, जैसे देखो तीन बड़ा है एक से, सही है, तीन एक से बड़ा है, लेकिन दोनों पक्षों में मैं माइनस का गुणा कर दूं तो माइनस थ्री बड़ा है माइनस वन से, ये गलत हो जाएगा। अब माइनस थ्री क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा माइनस वन से। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से बड़ा है छोटा बन जाता है, छोटा है बड़ा बन जाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये आप लोअर क्लास में भी इसको पढ़े होंगे। तो यहाँ पर माइनस सेवन का मल्टीप्लाई करूँगा तो सेवन हो गया। अब ये छोटा है का निशान क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। और यहाँ माइनस सेवन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस सेवन साइन एक्स, ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस सेवन। क्लियर, दैट इम्प्लाइज अब हमको क्या चाहिए, इसमें इलेवन चाहिए। तो पूरे में अपन 11 ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11 माइनस सेवन साइन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब देयरफॉर हम छोटे वैल्यू किधर बड़े किधर लिख लें, माने पूरा उलट लें, ऐसा लिख लेते हैं इसको 18 इज ग्रेटर इक्वल टू, अब ये क्या बन गया, ये फंक्शन ऑफ एक्स बन गया, क्योंकि हमने इसको फंक्शन ऑफ एक्स में कन्वर्ट, यही मेथड होगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, देयरफॉर इसको मैं इधर लिखूं तो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज लेस देन 18। अब इसको हम यदि इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से इसका जो डोमेन होगा वो किस तरह से लिखेंगे, 4 ये और उधर क्या 18, और इंटरवल कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू है तो इंटरवल क्लोज्ड, और यहाँ भी लेस देन आर इक्वल टू है तो यहाँ पर भी इंटरवल क्लोज। इस तरह से बनेगा 4 और 18 इसका आंसर हो जाएगा। और रेंज तो माइनस वन से प्लस वन होता है, वो पूछेगा नहीं इसमें आपको निकालने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस तरह से सॉल्व होगा। ये आप एक एक फंक्शन को समझते जाइए, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि इस वीडियो पर मैं आपको एक एक फंक्शन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एक इजी क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि डोमेन रेंज कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको थोड़ा सा तरीके से समझना पड़ेगा आपको। आप एक एक क्वेश्चन के मेथड को दिमाग में बिठाते जाइए, नेक्स्ट टाइम मैं आपको थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर ले जाके फिर उसको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। आज मैं कर रहा हूँ केवल इसके मेथड क्लियर। अब थर्ड नंबर में हम लेते हैं रेशनल फंक्शन। सपोज परिमेय फलन, इसका क्वेश्चन लेते हैं अपन, थर्ड नंबर रेशनल फंक्शन, हिंदी में बोलेंगे परिमेय फलन, जो परिमेय संख्या के रूप में हो। जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं, सपोज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसा कुछ भी लिखा, और नीचे में लिख दिया मैं 11 प्लस 3x, ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो
अब हम यहाँ पर डिस्कस करें इसके डिफाइन होने का कि कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमको डिफाइन होने का कंडीशन देखना है। तो यदि ये क्या हो जाए, इसको नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि किसी परिमेय संख्या का, किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर मतलब हर यदि शून्य हो जाए तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और अभी मैं आपको बताया कि इन्फिनिटी क्या होता है, नॉट डिटरमाइन होता है। तो इसके डिनोमिनेटर को, इसके हर को शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, नहीं होना चाहिए पर काम करेंगे। दैट मीन्स 11 प्लस 3x इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज 3x इज नॉट इक्वल टू माइनस 11, इसको ट्रांसफर कर दिए। दैट इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू माइनस 11 बाई 3। एक्स का वैल्यू को माइनस 11 बाई 3 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ रख के देखो, यदि x को माइनस 11 बाई 3 रखूंगा तो तीन तीन कटेगा, ऋण 11 आएगा, ऋण 11 और धन 11 कट के शून्य, और इतना बटे शून्य, ऊपर को सोचो ही मत। किसी भी संख्या अपान जीरो मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स x के वैल्यू को माइनस 11 बाई 3 नहीं होना चाहिए। तो इसको छोड़ के, माइनस 11 बाई 3 को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे वो डोमेन होंगे। तो अब इसके डोमेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस ब्रैकेट, आप ऐसा लगाएंगे, धोखे से भी आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, r माइनस माइनस 11 बाई 3, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर हम इंटर, इसका कैसे डोमेन हुआ, ये रियल नंबर मतलब क्या हो गए, सब नंबर आ गए, और सब नंबर में माइनस कर दिए जो नॉट डिटरमाइन है। ये नॉट डिटरमाइन को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो बच क्या गए, डिटरमाइन बच गए। थोड़ा रीजनिंग को समझ रहे हो ना, डोमेन रेंज का क्वेश्चन बहुत लॉजिक पर बेस्ड है। r माने सभी नंबर, और r में माइनस 11 बाई 3 को माइनस कर रहा मतलब उसको हटा रहा हूं। क्यों क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि उसके लिए वो डिटरमाइन नहीं है। तो जो बचेगा आर में, इसको हटा देने से जो बचेगा डिटरमाइन हो जाएगा, ये इसका डोमेन हो गया। तो देखो अलग अलग फंक्शन में हम डोमेन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर इंटरवल लगा के, कहीं पर आर से माइनस करके, कई जगह यूनियन इंटरसेक्शन से भी लिखते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो आप ध्यान रखिए, थर्ड नंबर एक एक क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार करते जाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन कॉन्सेप्ट है उस पर, मतलब मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ और क्वेश्चन के हेल्प से उस फंक्शन को सॉल्व करने का मेथड सिखा रहा हूँ, क्लियर। तो परिमेय फलन ऐसा सॉल्व होगा, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर जो भी है, वीडियो पॉज करके आप उसको अपने रफ कॉपी में नोट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि मैथ्स का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, ज़रूरत नहीं है उसका, उसको आप बनाइए, मेरे बोर्ड से पढ़िए और अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं ले लेता हूँ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, हिंदी में भी सिग्नम, इंग्लिश में भी सिग्नम। इसके बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिसका अभी तक हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। फोर्थ नंबर सिग्नम फंक्शन, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, हिंदी में भी सिग्नम बोलोगे, सिग्नम फलन। अब सिग्नम फंक्शन होता क्या, देखो मान लो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, इसमें मॉड ऊपर लगा रहेगा। ये सिग्नम फंक्शन का पहचान है, किसको बोलेंगे सिग्नम फंक्शन, यदि फंक्शन परिमेय फलन के रूप में हो मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, जो अंश में हो वही हर में हो। यहाँ पर x माइनस 4 है तो यहाँ x माइनस 3 नहीं हो सकता, ध्यान रखना, x माइनस 2 नहीं हो सकता, x माइनस 4 ही होगा। लेकिन खास बात क्या है कि ऊपर में मॉड रहेगा और नीचे में मॉड नहीं रहेगा, यही सब चीज़ समझना है। ये सब पूरा कॉन्सेप्ट मैं इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में क्लियर किया हूँ। तो ये सिग्नम फंक्शन होगा और इसको सॉल्व करने का तरीका हमेशा एक होगा, क्या, पहला अपन सपोज कर लेंगे इफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, सपोज x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है तो देयर फोर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, तब हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, मॉड है तो निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे ऐसा नहीं है, उसको इसके हिसाब से लेंगे तो जाएगा x माइनस 4
और अपान में x माइनस फोर एक कैंसिल होके आ जाएगा वन, हमेशा यही आएगा, हमेशा आएगा वन, इसका आंसर ऑलवेज वन और माइनस वन आता है। और सेकंड कंडीशन में ले लिए अपन, ये सबसे आसान फंक्शन समझता हूँ इसको, क्योंकि आंसर हमेशा फिक्स है इसमें, सबसे ईजी फंक्शन है। इफ एक्स माइनस फोर इज लेस देन जीरो देन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये एक्स माइनस फोर यदि शून्य से छोटा हो तो माइनस ले लेंगे, माइनस एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर कटेंगे, हो जाएगा माइनस वन, और इसका आंसर हमेशा माइनस वन से प्लस वन होगा। क्लियर? तो माइनस वन टू प्लस वन ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरे के पूरे सिग्नम फंक्शन हमेशा इसी फॉर्म में, इसका ऑलवेज आंसर यही है माइनस वन से वन, कोई भी क्वेश्चन रहे। क्यों यही है? क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर यही आएगा। उसका कारण है, इसका डेफिनेशन ही कहता है कि दोनों सेम नंबर रहेंगे, तो सेम नंबर कैंसल आउट हो गए, एक बार प्लस बन देंगे एक बार माइनस बन देंगे, इसलिए बहुत आसान फंक्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको मैं सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलता हूं। ठीक है, वो है फिफ्थ नंबर ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी बोलेंगे महत्तम, महत्तम इसको थोड़ा ध्यान से समझना, पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है और यह डिफिकल्ट होता है। अभी एक क्वेश्चन बता दो फिर आगे और कराऊंगा मैं आपको। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लूं मैं कौन सा क्वेश्चन बता दूं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन रेयर होते हैं। वन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस टू, वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन लेके आपको बता रहा हूँ मैं, ताकि समझा सकूँ। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू ही ना, ठीक। ये है देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कैसे पहचाने? सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कैसे जाने, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो में सब बताया हूँ मैं कि सर ये कैसे ग्रेटेस्ट फंक्शन है। तो ये देख के पहचानते हैं, यदि फंक्शन के बीच में कोई वैल्यू इस तरह से हो तो ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको देख के पहचानेंगे। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन वन, इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। मतलब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो वैल्यू होगा उससे एक बड़ा वैल्यू यहाँ होगा, यहाँ थ्री होगा तो यहाँ फोर होगा, यहाँ फाइव होगा तो यहाँ सिक्स होगा। जीरो के तरफ लेस देन आर इक्वल टू का साइन रहेगा और इधर ओनली लेस देन का साइन, मतलब एक तरफ इंटरवल इसमें क्लोज होता है, एक तरफ ओपन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, नाउ पुट एक्स माइनस टू इक्वल टू टी, मान लो हम इसको टी मान लिए। तो GIF के परिभाषा से, GIF के परिभाषा से उसका डेफिनेशन से हम वो डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू टी इज लेस देन वन, ये हम लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन से, और इसको हमने टी सपोज किया है। दैट इम्प्लाइज, अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि हम इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म में सेम चीज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं टू ऐड करूँ तो ये टू ये थ्री हो जाएगा, अभी आपको बताया ये जितना होगा उससे वहाँ एक अधिक होगा, तो सेम चीज़ को हम यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, जीरो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर टी ये कर दिया, और लेस देन आर इक्वल टू टी लेस देन वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर टी कर दिया। मतलब हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर टी को फर्स्ट में और लास्ट में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब हम लेस देन या ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि पूरे फंक्शन में हम किसी भी चीज़ को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पूरे फंक्शन में पूरे वैल्यू में। तो अब इसी को फिर माइनस कर रहे हैं, मतलब दैट इम्प्लाइज ये मेथड ही है ना इसका, इसको आपको समझना है। माइनस टी किया, लेस देन आर इक्वल टू, अब बीच में भी
इसको माइनस किया क्योंकि सभी टर्म्स में कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर टी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर टी, ये कर दिया। दैट इंप्लाइज अब यहाँ पर आप देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हो जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू टी माइनस टी इज लेस देन 1, वो दोनों कट जाएंगे। अब इसका वैल्यू रख दो आप टी का, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू टी, हमने किसको माना है, x माइनस टू को माना है, तो यहाँ पर हम रख देंगे x माइनस टू माइनस x माइनस टू इज लेस देन 1। दैट इम्प्लाइज अब हमको क्या करना होता है, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर में आया इसको हमको बनाना है फंक्शन ऑफ x, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बनाए थे। तो हमारा फंक्शन ऑफ x क्या है, 1 प्लस एक्स माइनस इतना, तो 1 प्लस एक्स बनाना है और यहाँ पर क्या है माइनस टू है, ये माइनस टू प्लस 1 कैसे होगा, जब पूरे रिलेशन में 3 ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करने पर 0 में 3 ऐड होगा, 0 प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू प्लस 3 इज लेस देन 1 प्लस 3, मैंने पूरे में 3 ऐड किया, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 3 इज लेस देन आर इक्वल टू, अब 3 इसके साथ ऐड होके एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस टू इज लेस देन 4, दैट इम्प्लाइज 3 इज लेस देन, अब ये देखो इसका जो सेंटर में है वो ये क्वेश्चन बन गया, जिसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x इज लेस देन 4, ये हो जाएगा इसका डोमेन। और इसका डोमेन को किस प्रकार से लिखेंगे, देखो इस तरह से इसका डोमेन हो जाएगा 3 और 4, 3 की तरफ क्लोज्ड इधर ओपन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे डिफिकल्ट फंक्शन है और इसका प्रोसेस थोड़ा अलग टाइप का है, इसको ध्यान से समझना, बार बार इसको देखना, मुझे पढ़ाते समय भी डाउट होता है कि हो सकता है इस स्टेप में ये स्टेप में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो अगेन एंड अगेन देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। अब मैं आज के क्लास का एक लास्ट फंक्शन का आपको क्वेश्चन बता दूं, ये जितने मैं आपको फंक्शन के डोमेन निकालने बता रहा हूं ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो से आपको इनके प्रोसेस को दिमाग में बिठाना है, यही है इसका फंडामेंटल। नेक्स्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 6 नंबर होगा मेरे ख्याल से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अब ये सब आप पढ़ोगे आगे मैथमेटिक्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 1, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि कॉस के ऊपर में माइनस 1 लगा हुआ है पावर में, इसको बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इसको भी बनाने का अपना एक फिक्स मेथड होता है, वो ये है कि इनवर्स के सामने जो कुछ भी रहेगा उसको लेके यहाँ पर काम स्टार्ट करना है, एक एक पॉइंट को पकड़ते जाना। शुरुआत में आपसे क्या बोला, हर फंक्शन के डोमेन रेंज निकालने के तरीके अलग हैं, इसलिए आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको सीखना पड़ेगा, इस फंक्शन का कॉन्सेप्ट दूसरे में काम नहीं आएगा। तो 3x माइनस 1 को ले लो आप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में 3x माइनस 1 होगा, दैट इम्प्लाइज क्यों होगा माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में, क्योंकि कॉस का वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में होता है, यदि हमें साइन लिख दूं तब भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। क्लियर। अब क्या करना है, ये सेंटर को x बनाना है, बाकी जगह हम उसको फंक्शन ऑफ x बनाते थे, यहाँ पर उसको कम्प्लीटली x बनाना है, तो x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को भगाना पड़ेगा, तो पूरे में 1 ऐड कर दो, तो हो गया 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या किए 1 ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2, पूरे में 1 जोड़ा 0 हो गया, यहाँ कट गया ये 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको x बनाना है,
तो पूरे में 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0/3 0, 3x/3 x, और ये हो जाएगा 2/3। अब जैसे ही सेंटर में x आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके रेंज हो जाएंगे। यहाँ पर डोमेन तो क्लियर है, तो यहाँ पर इसका रेंज हो जाएगा 0, 2/3, और दोनों तरफ इंटरवल क्लोज्ड। दोनों तरफ इंटरवल क्लोज क्यों किया, less than or equal to, ठीक है। तो आज का जो ये मेरा क्लास था आपका फंक्शन का पार्ट टू का, बहुत अवेटेड था, बहुत इंतज़ार में था, और फर्स्ट पार्ट में बहुत दिन पहले इसका बना चुका था। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि इस पार्ट में आपको कहीं कुछ परेशानी आएगी तो आप इसके फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखिए और इस लेक्चर को ध्यान से समझिए। फिर बहुत जल्दी मैं इसका थर्ड पार्ट जब लेके आऊँगा तो डोमेन रेंज के ही यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ आज, तो मैं एक एक क्वेश्चन लिया ओनली आपको समझा सकूँ करके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आपका कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप समझना ही सही है। तो इस प्रोसेस पर आप चलिए और उसको ईजी करिए। ओके, थैंक यू।